यहां पर एक घटना हो रही है और वहां पर हम देखते हैं कि संक्षिप्त रूप में बताएं प्रभु यीशु जो सर्वज्ञ है वो किस तरह हमारे कर्मों को देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इसके बारे में देखने को मिलता है। क्रिसमस प्रिय भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज कलीसिया हमारे लिए प्रभु के वचन के रूप में संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 से 36 से लेकर 50 तक का पद संख्या। प्रभु यीशु एक फरीसी के यहाँ भोजन के लिए गए। भोजन करते समय एक पापनी स्त्री, जाने माने पापनी स्त्री, सबको मालूम है वो स्त्री पापनी है, गलत कार्य करते हैं, अपने आप को बेचते हैं, सबकी नजर में वो बुरी थी। और वो औरत प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु के पाद प्रक्षालन करती है, अपने आंसुओं से, अपने केशों से वो प्रभु के पांव पोंछती है और इत्र लगाती है, सुगंधित तेल लगाते हैं। उस स्त्री के मनोभावना क्या है हम देखते हैं, पश्चाताप भरा दिल और उसी से निकले आंसू और प्रभु के प्रति आदर सम्मान, ये सब वहां पर प्रकट हो रहे हैं। लेकिन शिमयोन मन ही मन जो प्रभु के लिए भोजन की व्यवस्था किए, उस घर का मालिक मन ही मन सोचने लगे, ये नबी होता तो ये जान लेते हैं कि ये स्त्री कैसी है और इसे छूने नहीं देते और इसे दूर कर देते। परंतु सर्वज्ञ यीशु उनका मन की भावना जान लेते हैं और कहते हैं, उनको एक उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में उसके उस शंका दूर करते हैं और यीशु साबित करते हैं कि मनुष्य बाहरिक रूप रंग, या जैसे सामूल के ग्रंथ में कहते हैं बाहरिक रूप रंग, सामूल के पहले ग्रंथ में कहते हैं देखते हैं, लेकिन ईश्वर दिल को देखते हैं। उस स्त्री के मानसिकता यीशु ने जाना, उसके कार्य में भलाई यीशु ने देखा, लेकिन भोजन के लिए बुलाने वाले उस व्यक्ति के भला नहीं करने की अवस्था और उसके मानसिकता यीशु ने जाना और दृष्टांत दिए। जब कर्जदार के दृष्टांत दिए और जब ज्यादा कर्ज जिसके लिए था वो कर्जदार जब माफ किया जाता है, अथवी खुशी पाते हैं, कम कर्ज के कर्जदार कम खुशी होते हैं, तो इसके द्वारा यीशु ये बताना चाहते हैं कि ये इस स्त्री ने जो किया है वो सही है और प्रशंसनीय है। और जो सिमियोन जो जिसने यीशु को भोजन दिया, वो भोजन देने के बाद भी उसकी कमी जो है वहां पर यीशु ने दर्शाया। इसी तरह यीशु ये एक भले कार्यों के लिए अवश्य रूप से सराहते हैं, शाबाशी देते हैं, और जो भला कार्य नहीं करता है उसका इंगित भी करते हैं। भलाई से हम ईश्वरीय कृपा पाए और ईश्वरीय स्वभाव में बढ़े, हम अपनी नजरिया भी बदलते हुए देख पाएंगे और ईश्वर की नजरों से हम भी देख पाएंगे और अच्छाइयों को परख पाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।